आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखें कि जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उत्साहित है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी, ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते, और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है।
और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। अरे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकसी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है, वहां पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हवा बना के रखा था, कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी, किसने देश के माथे पर मारा था, किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भले गलतियां करके गए लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियों सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखें। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है, वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया है, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया है। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसलिए आइए, मैं निमंत्रण देता हूं आपको, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती, अब इस राह को मत छोड़िए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं, मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांगता हूं, मैं आपका सहयोग चाहता हूं। 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटे फेंकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगाऊंगा, आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के हम चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा, और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछालने उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।